आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। शिव ने इस आधार पर ध्यान की कई विधियों का विकास किया। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल है। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारों को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुराण काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव जी के अलावा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल तक देवता धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद सभी अपने अपने धाम चले गए। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए, अतः इनके विग्रहों की पूजा की जाती है। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। बराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों की शिव की कथा अलग है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता ही रहता हूँ। थैंक यू।